अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माशोबिस गार्डनिंग। जी हाँ, हम इसके ऊपर गार्डनिंग के रिलेटेड आपको वीडियोस देते रहते हैं। आज मैं शाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूं, इसकी ख़ास वजह है क्योंकि नर्सरी से कल हमने कुछ परचेजिंग की थी, वो भी आपको दिखानी है। और जो परचेजिंग हमने की थी उसको हमने अब शिफ्ट करना है इस हमारी क्यारी के अंदर, क्योंकि ये क्यारी ज़रा ज़रा छाँव वाले पोर्शन में रहती है, इसको ज़रा धूप थोड़ी सी कम मिलती है। तो इसके अंदर आज हम पौधे लगाने वाले हैं वो वाले, और आपको इस क्यारी की कंडीशन भी बता देते हैं और थोड़ी सी आपको इसकी अपडेट भी दे देते हैं। इस पोर्शन के अंदर हमने जो है जनाब अपनी जो काऊ डंग थी उसको स्टोर किया हुआ था, जो कि अराउंड अबाउट 1 मंथ हो चुका है इसके अंदर, वो डिकम्पोज भी हो रही है और जब हम इसको पानी डालते हैं तो वो सारी सारी जो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो हाइबिकस है वो माशाल्लाह से लश ग्रीन हुआ पड़ा है इस टाइम यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी उसकी जो है वो बुशी झाड़ी भी बन चुकी है। उसके साथ जो वाइन है उसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दो पौधों के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पर मैं कुछ प्लांट्स और मज़ीद इसके अंदर लगा दूँ। तो मैं क्या लेके आया हूँ आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये मैं लेके आया हूँ वो प्लांट कलियाँ मोतिया जिसे कहते हैं, तो ये मैं लेके आया हूँ, इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो चलिए इसको पहले शिफ्ट करने के लिए इसकी जगह बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको हम किस तरह से लगाते हैं। ये मैं थैलियों में लेके आया हूँ और ये कल से आई हुई है इसलिए थोड़ी सी ड्राई हो गई हैं, तो ज़रा एहतियात से लगानी पड़ेंगी। बाकी जो है इसके बारे में बातचीत करते हैं और जब इसके ऊपर कलियाँ खिलेंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे माशाल्लाह से। तो आप भी जल्दी जल्दी नर्सरी में जाइए और कली लेके आएँ, क्योंकि अब इसका बहुत अच्छा मौसम है, पूरी गर्मियाँ आपको जो है ये कलियाँ लगेंगी और मधुमक्खी की खुशबू देंगी, क्योंकि सर्दियों में तो गुलाब होते हैं और गर्मियों में कलियाँ होती हैं। तो चलिए इनको लगाते हैं, स्पेस बनाते हैं और आपके साथ शेयर। व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसके अंदर हमारी जो कलियाँ थी वो लगा दी हैं और इनको पानी जो है हमने पेट भर के दे दिया है, ताकि इसके अंदर जितने भी वो एयर पॉकेट्स और एयर बबल्स वगैरह थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। व्यूअर्स, ये मैं 5 पौधे लेके आया था और आप देख सकते हैं कि पहले का व्यू और अब का व्यू आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसको मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये थोड़ा सा पार्शियल शेड एरिया है, मतलब कि यहाँ पर किसी छत की छाँव नहीं आती, ये ऊपर जो हमारे पौधे लगे हुए हैं इनकी छाँव आती है इन पौधों के ऊपर। तो कली आप जैसा कि जानते हैं कि आपने अक्सर पार्क वगैरह में देखा होगा कि जो कलियां जो हैं वो किसी दरख्त के साथ ही या किसी थोड़ी सायादार जगह पर होती हैं, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है और वैसे इनको सूरज की ज़रूरत होती है सनलाइट की, लेकिन मैंने जो प्लान किया, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाई हैं और 5 की 5 मैंने एक ही लाइन में लगा दी हैं, ताकि जब ये बड़ी हों तो ये अपना फैलाव यहाँ पर कर लें और इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो कलियाँ लग जाएं, तो रात के टाइम बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इनकी। तो आई होप ये सब की सब चल जाएंगी और इनके ऊपर जो है वो प्यारी प्यारी सी कलियाँ भी लगेंगी। तो आप भी अपनी अपनी जो कलियाँ हैं उनकी पिक्चर्स लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपने जो है बताइएगा कि एक्सपीरियंस कली के रिलेटेड आपका कैसा है। हमें तो बहुत पसंद आती हैं और कोशिश यही करते हैं कि उसको ना तोड़ें, लेकिन फिर भी इसको तोड़ कर हम अपने साथ ले जाते हैं। तो बाकी जो है सदाबहार भी सही चल रहा है और पेटूनिया गैंड चल रहा है और ये बाकी जो हमारा हाइबिकस है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ज़रूर फ्लावरिंग होगी अच्छे से, और बोगनवेल तो है हमेशा से इसके ऊपर फ्लावरिंग होती रहती है। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ये आगे छोटी सी अपडेट थी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।